अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोल्हापुरी चिकन। इसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, जिसे हमने साफ धो के इसे छन्नी में डाल के सुखा दिया था। इसका पानी निथरने दिया अच्छे से। इसमें हम 1 कप दही डालेंगे। हमने चक्का दही लिया है, तो इसलिए हम इसमें नींबू डालेंगे, 1 नींबू, और ये 1 कप दही, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक टेस्ट के हिसाब से, और लाल मिर्ची और तंदूरी चिकन मसाला। हम लाल मिर्ची, 2 किस्म की लाल मिर्ची ली हमने, क्योंकि चिकन कोल्हापुरी थोड़ा तीखा होता है, तो इसलिए हमने ये 1 टेबल स्पून तीखी मिर्ची ली है, और 1 से 1.5 टेबल स्पून उतनी हमने कश्मीरी फीकी मिर्ची ली है, जो हम थोड़ी सी चिकन में और बाद में आखिर में तड़के में डालेंगे। तो और तंदूरी चिकन मसाला हमने 1 टीस्पून लिया है, जो हम चिकन में लगा के उसे आधा घंटा रख देंगे, फिर उसे हम बाद में चिकन को थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे। दही, अदरक, लहसुन, लाल मिर्ची और तंदूरी चिकन मसाला हम चिकन को लगा के उसे आधा घंटा रख देंगे। और हमें पिसने के लिए मसाले लगेंगे, जो हम बघार में डालने वाले हैं। खड़ा मसाला लगेगा हमें, 2 से 3 दालचीनी ली हमने, 3-4 लौंग, बिल्कुल 1/4 टीस्पून शाहजीरा, 3 से 4-5 काली मिर्ची और 3 इलायची। खड़ा मसाला हम ये बघार में डालेंगे, और बघार में हमें ये कोल्हापुरी सालन का ख़ास मसाला है ये, जो हम इसे बिल्कुल मोटा मोटा रफली पीसेंगे। तो ये हमने कश्मीरी और थोड़ी तेज़ वाली मिर्ची ली है, तो हम इसमें 2-3 बघार में डालेंगे आखिर में, और पिसने में हम 1 टीस्पून ज़ीरा, बिल्कुल 1/2 टीस्पून रई, और बिल्कुल 1/2 टीस्पून मेथी लिया है हमने, और 1 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है। इन सब मसालों को हम एक तवे पे भून लेंगे और इसे रफली मोटा मोटा पीस लेंगे। आधा हम बघार में डालेंगे और आधा पूरा सालन, जब हमारा सालन जब पूरा बन जाएगा उसमें हम आखिर में आधा मसाला तड़का डालेंगे इस पर ऊपर आखिर में। तो आधा हम पहले डालेंगे और आधा एकदम आखिर में डालेंगे। और मसाले के लिए हमें लगेगा, हमने 3 टेबल स्पून खोपरा लिया है घिसा हुआ, और 3 टेबल स्पून हमें तिल लगेगी, तो 3 टेबल स्पून हमने तिल ली है, और 5 से 6 टमाटे हमने इस साइज के लिए हैं, 5 से 6 टमाटे इस साइज के लिए हमने, तो इस तरह हमने टोटल 6 से 7 यानी कि 150 ग्राम टमाटे लिए हमने, और 3 मीडियम साइज की हमने प्याज लिया था जो 100 ग्राम है। तो हमने इसे इस तरह रफली ही काट दिया है, टमाटर को भी हमने इस तरह से रफली काट लिया है, क्योंकि हम इसे बाद में तवे पे रफली तेल डाल के हल्का सा दाग लगे इतना भून लेंगे, फिर ये मसाले भी हम भून लेंगे तवे पे। तो ये मसालों को हम एक अलग सूखे जार में पीसेंगे, और इसे एक दूसरे जार में, एक पतला वाला लिक्विड वाला हम मसाला पीसेंगे, तो वो बड़े जार में हम प्याज और टमाटर पीसेंगे, और एक सूखे जार में ये तिल और खोपरा पीस के फिर बाद में एक साथ पूरा मिक्स कर देंगे। फिर हमारी कोल्हापुरी पकने के बाद हम आखिर में ये नारियल का, कच्चे नारियल का दूध डालने वाले हैं। तो हमारे पास कच्चे नारियल का दूध नहीं है, तो हम इस तरह से कच्चा नारियल ले रहे हैं। उसमें हम ये 1 कप उतना गर्म दूध और 1/2 कप मलाई मिलाकर उसे डालकर इसे छन्नी से छानकर हम आखिर में सालन में डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन में दही और सब मसाले, अदरक लहसुन वो लगा लेंगे, और मीठा तेल भी लगेगा हमें, तो शुरू में बघार में लगेगा और आखिर में तड़के में लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को सब मसाले लगाएं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे,
इस तरह से पूरा हम इसी में ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसलिए डाल दे रहे हैं क्योंकि हम बाद में सालन में बघार में नहीं डालने वाले हैं, तो इसलिए हम ये चिकन में ही सब मसाले मिला दे रहे हैं। और हम नमक डालेंगे, 1 से 1.5 टीस्पून उतना नमक डाल देंगे। अगर हमें लगेगा तो हम और चख के बाद और डाल देंगे। और हम ये दही को अच्छे से फेंट लेंगे, इसे फेंट कर डाल देंगे। ये अच्छे से हम दही को फेंट लेंगे इस तरह से। पूरा दही हम इसी में डाल दे रहे हैं, बाद में हम सालन में नहीं डालने वाले। ये लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची और ये तंदूरी मसाला, ये ना भी डाले आप तो चलेगा, हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं इसमें। तो चलिए सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम नींबू का रस भी डाल देंगे। अभी हम इसमें आधा नींबू का रस ही डाल रहे हैं, अगर हमें कम लगेगा तो हम और आधा डाल देंगे बाद में चखे बाद। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। चलिए हमने इसे मसाला लगा दिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक फ्रिज में रख लेंगे। आप चाहे तो आधा घंटा 1 घंटा भी लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। तो हम इसे 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे और बाकी के मसाले भून लेंगे। ये बघार के लिए हम ये मिर्ची निकाल लेंगे, इसमें से 2 से 3 मिर्चियों को निकाल लेंगे। 3-4 मिर्ची हम बघार के लिए निकाल ले रहे हैं। फिर ये सब मसाले इसमें एक साथ डालकर भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे और इन्हें फिर रफली मोटा मोटा ही पिसना है हमें, इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसना है, तो मोटा मोटा पिस लेंगे। इसमें खुशबू आने उतना ही भुनना है इसे, 1 से 1.5 मिनट ही भुनेंगे हम इसे। अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें, अब इसे हम बंद कर देंगे। फिर ये खोपरे को भून लेंगे हम, इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे भून लेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये सालन, तो आप घर में ज़रूर इसे ट्राई करें। आपके पास सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे, फिर बाद में तेल भी हम भून लेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसे हम, ये अच्छे से हो चुका है, इसे अब निकाल लेंगे। इसके बाद हम तेल को भी थोड़े स्लो आंच पे भूनेंगे। इसमें भी हल्का सा थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून। इसे भी ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसे भी फिर हम खोपरे के साथ निकाल के इसे अलग से एक जार में पीस लेंगे। जो धनिया, लाल मिर्ची, मेथी, रई जो रखे थे हमने साबित, उसे इस तरह से हमने मोटा मोटा रफली ही पीस लिया है इस तरह से। अब इसे हम आधा बघार में और आधा आखिर में डालेंगे। सबसे पहले हम पैन में एक तेल डालेंगे, इसके बाद हमने ये प्याज डालेंगे। पहले प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक भुनेंगे, फिर उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। इस तरह से हमने बस इतने से दाग लगने उतना ही इसे ब्राउन होने दिया था। इसे हमने 3 से 4 मिनट से इसे भून रहे हैं। अब इसमें हम इसी में हम ये टमाटर भी डाल देंगे। इससे भी हम दाग लगे उतना ही भुनेंगे इसे बस इतना। और फिर एक जार में, इस तरह के जार में, इसमें डाल के हम इसे पीस लेंगे। ये
इसी जार में डाल के उसे पीस लेंगे। और फिर बाद में जो हमने तिल और खोपरा पिसा था वो भी इसमें मिक्स करके एक साथ पूरा मसाला पीस लेंगे। अब इसे और 4-5 मिनट तक होने देंगे। ये तिल और खोपरे को हमने इस तरह से बारीक पीस लिया है। अब टमाटर प्याज के साथ इसे भी बड़े जार में डाल के एक साथ पूरा मसाला पीस लेंगे। ये हमारे टमाटर प्याज 5 मिनट से पक रही है। ये अच्छे से भुने गई है, इस तरह से नरम होने तक भुने हमने इसे। अब इसे हम पीस लेंगे। ये चिकन को हम बस इसे एक पैन में हल्का सा दाग लगे इतना फ्राई करके इसे कोल्हापुरी सालन में डाल देंगे। हमने ये चिकन को पैन में डाल दिया है। फिर थोड़ा 1-2 टेबल स्पून तेल डाल के इसे हल्का सा 4-5 मिनट तक बस हल्का सा फ्राई होने देंगे और इसे फिर बाद में हम हमारे सालन में डाल देंगे। चलिए सबसे पहले हम एक भगोने में 4-5 टेबल स्पून उतना तेल डालेंगे। हम तेल कम इसलिए थोड़ा डाल रहे हैं अभी, बाद में हम ऊपर से भी इसके बघार में तेल डालने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें ये खड़े मसाले डाल देंगे। इलायची को हमने थोड़ा सा बीच में से खोल दिया है इस तरह से। ये लाल मिर्ची भी डालेंगे सूखी हुई इस तरह से तोड़ के। और ये जाजीरा दालचीनी ये भी डाल देंगे खड़ा मसाला। फिर बस 1 मिनट भुनेंगे, उसके बाद इसमें हम गैस को थोड़ा बुझा देंगे। ये जो मसाला रखा था ये इसमें से हम आधा अभी डालेंगे, आधा आखिर में डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये आधा मसाला डाल के इसे खुशबू आने तक भूनेंगे। हमने ये जो मसाला इस तरह से बारीक पीस दिया था, इसे टमाटे वो सब एक साथ हमने तेल खोपरा भी डाल दिया था। अब इसे हम इसमें सॉरी डाल देंगे, इसे अच्छे से 5-6 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें चिकन डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे हम इसमें और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे ढक लेंगे हम फिर एक ढक्कन से और अच्छे से इसे भुने बाद फिर इसमें हम चिकन डाल देंगे। हमारे ये 10 मिनट से मसाला पक रहा है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। ये चिकन डाल देंगे, इसमें हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसमें पूरा चिकन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे और 4-5 मिनट हम पकने देंगे। उसके बाद हमने इस तरह से ये जो कच्चा नारियल रखा था उसको इस तरह से दूध डाल के पीस लिया है हमने। इसमें बिल्कुल 1/4 टीस्पून उतना कॉर्नफ्लावर डाला है हमने, ताकि ये हम सालन में डालने के बाद दूध फूट जाता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर 1/4 टीस्पून उतना कॉर्नफ्लावर डाले कर पीसे हमने। और इसे छन्नी से छान लिया, एक मोटी छन्नी से छान लिया हमने। इसका चौथा जो निकला उसका नारियल का वो निकाल दिया। और ये दूध अब हम इसमें बाद में 5 मिनट पके बाद इसमें ये दूध डाल देंगे। जो ये नारियल का दूध जो निकाल के रखा था हमने, ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। हमने इसे 4-5 मिनट तक चिकन डाले बाद पकने दिया था, इसमें हम आहिस्ता से ये डाल लेंगे। इसमें मेथी और रई के सरसों के दाने और मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो आप ज़रूर इसमें इसे घर में ट्राई करें, ज़रूर बनाएं आप घर में और मुझे ज़रूर बताएं कैसा बना था। तो इसे अभी और 4-5 मिनट हम पकने देंगे, उसके बाद इस पर फिर हम तड़का डालेंगे। ये हमने लाल मिर्ची जो रखी थी उसका बघार इस पर डाल दिया है, बाकी का रई और जीरे और मेथी वाला हम जो बॉल में निकालेंगे उस पर डाल देंगे। इसे हम और 2-3 मिनट कम पे पकने देंगे, फिर इसे हम
एक बॉल में निकाल लेंगे। ये कोल्हापुरी चिकन हमारा तैयार है। इस पर हम ये रई जीरे मिर्ची वाला तड़का डाल लेंगे और कोटली डाल। लीजिए, ये हमारे चिकन कोल्हापुरी तैयार है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें।